काल में इस बार हवा क्या? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मोदी जी की जो विजन है सोनार बंगाल करना, असल परिवर्तन करना, ये होना तय है। इसलिए खेला हुआ करके तो बहुत सारी सियासत हो गई। देखिए, मोदी जी विकास करते हैं, यहाँ की सरकार लोगों को विकास से वंचित करती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की नाम लो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात हो, अम्फन में अनुदान के बारे में बात हो, या ये कोरोना के समय में चौल देने की बात हो, मोदी जी ने यहाँ की गरीबों के लिए, माताओं के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराया। यहाँ की सरकार उसको कट मनी में परिवर्तन किया, तोलाबाजी किया, इसके खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है। दीदी के चोट को लेकर भी सियासत, उस पर भी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। दीदी को हमें कोई उसमें टिप्पणी देना नहीं है, आप लोगों ने सभी विषय को दिखाया है, बंगाल की जनता उसको समझती है। हम भी प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा के सामने, दीदी जल्दी मैदान पे उतर आए। इस बार मुकाबला कितना बड़ा? मुकाबला जनता की अत्याचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के साथ है, कोई मुकाबला नहीं है, जनता की विजय होगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जनता फैसला करेगी और बीजेपी इस बार जीत की ओर बढ़ी, ये भरोसा सबसे ज्यादा लेकर है। और इस बार हल्दिया में नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया है सोनार बांग्ला, वो इस बार होकर ही रहेगा और नंदीग्राम की जनता इस बार तय कर देगी कि इस बार का परिवर्तन किस तरीके से होना है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए भी नजर आए। और अनुराग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? देखिए, बड़ी खबर की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला है और ऐसे में वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें देखकर समझ में आएगा कि शुभेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। बीजेपी की ओर से बड़े नेता यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां शुभेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया। कहा जा सकता है यहां से कि एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर अब औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मैदान में। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी में केवल बुआ और भतीजा का सम्मान किया जाता है, यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नंदीग्राम में दादा बनाम दीदी है और ऐसे में जब दादा नॉमिनेशन फाइल के लिए जा रहे थे, बड़ा निशाना उन्होंने ममता बनर्जी पर साधा। सुनाते हैं आपको। তো আজকে 2021 সালে অনেকেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হয়েছি। কেন? বারে বারে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো, এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই।